अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिला जेलम में आए हुए हैं। यहाँ पे पैगम्बर इस्लाम हाम अलैहिस्सलाम इब्ने नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं इसकी ज़ियारत करवा दूँ। आप देखें कि ये पास पहाड़ है और बिल्कुल सुनसान इलाका है। ये देखें व्यूअर्स, ये जो सामने आपको वाइट कलर की दीवार नजर आ रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कब्र है। ये मतलब इतनी लंबी कब्र है। अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। ये हजरत हाम अलैहिस्सलाम की वो कब्र मुबारक है और ये सात छोटी छोटी कब्र बनी हुई है, शायद उनके खान वादों की होंगी। अस्सलाम वालेका या अबुल फजल अब्बास। ये देखें, ये तख्ती लगी हुई है हजरत हाम अलैहिस्सलाम और ये सारा उनका शजरा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं और ये इनका शजरा मिलता है जाके हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। ये मज़ार की निशानदेही हुई थी जिस सन में, वो भी लिखा हुआ है। और ये इतनी लंबी कब्र मुबारक है, ये देखें, ये सारी कब्र है। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी उन्होंने कब्र मुबारक है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ से कब्र शुरू होती है वहां से, और ये सारी कब्र मुबारक है। इतनी तवील, पता नहीं कितने गज होगी। इसकी लंबाई कितनी है? 78 फुट। अच्छा, इसकी तख्ती है। ये पीछे देखें, जेलम चकवाल के पहाड़ है। ये देखिए, इतनी लंबी कब्र मुबारक है, सुभान अल्लाह। ये तख्ती मुबारक है और ये सर मुबारक की जगह, ये इतनी लंबी कब्र मुबारक है। आप लोग भी ज़ियारत कीजिए, बहुत ही पुरसकून जगह है ये। ओके व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने इस मुकाम की ज़ियारत कर ली है, तो फिर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।